हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपना डीए है वो 50% जो है वो क्रॉस कर गया है, मतलब 50% हो गया है, तो उसके बाद हमारे जो भत्ते हैं उनमें कितने अलाउंस है, उसमें कितनी वृद्धि होगी। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है हमारा यूट्यूब पे, उसमें हमने डिटेल से बता रखा है। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया था कि हमें ये बताओ कि प्राइस में जो हमारे, अगर पहले हमको 500 रुपये मिलते हैं तो अब कितने रुपये मिलेंगे, उस हिसाब से हमको डिटेल में बताओ। परसेंटेज हमको अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो इसमें हम रेलवे के जितने भी जो अलाउंसेस हैं उन सब की लिस्ट बना के लिखे हैं, वो सब हम आपको डिटेल में बता देंगे। उससे पहले ऑफिशियल लेटर देख लेते हैं। जो ऑफिशियल लेटर है वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाला है, ये 12 मार्च 2024 का लेटर है। इसके अंदर बताया कि जो 46% डी ए है वो 50% हो गया है। कब से इफेक्ट होगा? 1 जनवरी 2024 में। उसके बाद ये 4-5 पॉइंट फिक्स पॉइंट रहते हैं जो हर बार आता है कि अगर 50 पैसा होगा तो राउंड ऑफ कर देना है उसको, 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से बनाया है, और ये सब चीज़ें वो जो पॉइंट नॉर्मल पॉइंट रहते हैं वो सब रहते हैं इसमें। हमेशा जो भी डीए लगता है ये आपको मिलेंगे, 1-2 पॉइंट नए ऐड होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि एक जो बात थी कि अगर 50% डीए क्रॉस करेगा तो क्या बेसिक में मर्ज होगा वो, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने डाउट क्लियर किया था कि नहीं, गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मर्जर की बात की थी, क्योंकि जो ये मर्जर वाली बात थी ना ये पहले हुआ करती थी। 6th पे कमीशन में ऑलरेडी ये बात क्लियरली बता देती, तो 6th पे कमीशन में जो बात हुई वही 7th पे कमीशन के अंदर फॉलो की गई कि जैसे ही 50% का मार्क टच करेगा उसके बाद उस हिसाब से जो उनके जो अलाउंसेज है उसमें वृद्धि की जाएगी। जैचारे वो 27-18 9% हो जाएगा, डीए 50% करने के बाद 30-20-10 हो जाएगा, तो ऐसे और जितने भी अलाउंस है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब कितनी कितनी हुई है तो चलो उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मकान किराया भत्ते की। तो देखो, सबसे पहले अगर आप एक्स श्रेणी के अंदर हो तो 27 से बढ़ के 30 हो जाएगा, वाई श्रेणी में हो तो 18 से 20 हो जाएगा, जेड श्रेणी में हो तो 9% से 10% हो जाएगा। तो जो भी आपका बेसिक है उसका आप उतना परसेंटेज निकाल सकते हो। यात्रा भत्ता की बात करें, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं टीए, वो 500 रुपये से बढ़ के कितना हो गया है, 625, जो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के बीच में है। और अगर आप लेवल 6 से लेकर लेवल 8 के बीच में हो तो 800 से बढ़ के कितना हो गया, 1000 रुपये। मतलब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 25% की वृद्धि ऑलरेडी हो गई है। फिर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं, NH, नेशनल हॉलीडे, अगर लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में तो अभी आपको 384 मिल रहे होंगे, अभी आपको कितने मिलेंगे, 480, अगर आप NH वाले दिन ड्यूटी करते हो या आपका रेस्ट आ रहा है तो। लेवल 3 से लेवल 5 के बीच में आपको 477 की जगह कितने मिलेंगे, 596। लेवल 6 से लेवल 8 के बीच में अगर आप हो तो 630 रुपये की जगह कितने मिलेंगे आपको, 788 रुपीज़। अब संतान शिक्षा भत्ता, ये एजुकेशन जो अलाउंस मिलते हैं ये हमें अभी मिलता है 27,000 रुपये, बोल दो पूरे साल का, मतलब पर मंथ का कितना हो गया, 2,250 रुपये। अब वो बढ़ के कितना हो गया, 2,813 रुपये हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना 12 से 32,000 समथिंग आएगा, तो वो आपका 27,000 से बढ़ के इतना हो गया। उसके बाद दिव्यांग बच्चे के लिए संतान शिक्षा भत्ता, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके बच्चों के लिए, नॉर्मल बच्चों को 2,250 मिलता है, इनको पहले 4,500 मिलता था, ठीक है, वो बढ़ के कितनी हो गई है, 5,625। सेम जो हॉस्टल सब्सिडी है वो 6,750 से बढ़ के कितनी हो गई, 8,438, और याद रखना पर मंथ की बात कर रहे हैं हम। वैसी दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु विशेष भत्ता, ये बहुत अच्छा भत्ता है जो इंडियन रेलवे ही फॉलो करता है आई थिंक, और बाकी डिपार्टमेंट्स बहुत कम देते हैं इसको। अगर आपका, अगर जो आप जो लेडी रेलवे में वर्किंग है अगर वो दिव्यांग है तो वो अपने बच्चों को संभालने के लिए रेलवे उनको 3,000 रुपीज़ देते हैं, जो बढ़ के अब कितना हो जाएगा, 3,750 रुपीज़ हो जाएगा। वैसी लेवल क्रॉसिंग गेट पे जो काम करते हैं हमारे इंजीनियरिंग का स्टाफ काम करता है उसके लिए उनको 1,000 रुपये मिला करता था, अब उनको कितना मिलेगा, 1,250 रुपये मिलेगा। ये बात करेंगे माइलेज भत्ता, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको माइलेज के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। तो अगर आप 24 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, 30 रुपये पर किलोमीटर, और कार का और मोटरसाइकिल या ऑटो को कितना, 12 रुपये से बढ़ के कितना हो जाएगा, 15 रुपये पर किलोमीटर, तो 3 रुपये की वृद्धि हो गई है। ये भी आप देखोगे तो कितना है, 25% है दोनों, ठीक है, 25% बढ़ गया दोनों। ड्रेस भत्ता, अब ड्रेस भत्ता सबका अलग अलग रहता है, जो RPF रहता है, हमारे स्टेशन मास्टर रहते हैं, उनको 10,000 रुपये मिलते हैं, वैसे ही अन्य कर्मचारियों को 5,000 मिलते हैं, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट आते हैं और जो वाइट ड्रेस डालते हैं उन सबको मिलते हैं, और फिर एक नर्स आती है, नर्स को 1,800 रुपये मिलते हैं। ये सब बढ़ के कितना हो जाएगा, 2,250, 5,000 की जगह 6,250, और RPF का कितना हो जाएगा, 12,250 रुपये। तो इसके अंदर भी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 25% की, मोस्टली सब में 25% की वृद्धि हुई है। फिर है ब्रेकडाउन भत्ता,
ये सहायक टेक्नी सहायक को मिलता है 270 रुपये, टेक्नीशियन 3 को 450 रुपये, टेक्नीशियन 1 और 2 को 540 रुपये, और टेक्नीशियन वे अपर इससे ऊपर रहते हैं उनको 675 रुपये। तो वो भी बड़े कितने हो गए हैं, 270 वाले को मिलेगा 338 रुपये, 405 का 506, 540 से 675 और 675 से 884 रुपये। सेम अगर आपको हेल्थ या मलेरिया भत्ता मिलता है तो लेवल 1 से लेवल 8 के बीच में अगर आप हो तो आप 1000 की जगह आपको कितना मिलेगा, 1250 रुपये। सेम लेवल 9 से अगर आप ऊपर हो तो 1200 की जगह कितना मिलेगा आपको, 1500। अगेन 25% का हाइक लग गया है। फिर ट्रेन कंट्रोलर भत्ता ये 5000 से बढ़कर कितना हो गया, 6250। सेम नर्सिंग भत्ता जो है वो 7200 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 9000 रुपये। जो ग्रेचुटी की सीमा है वो पहले 20 लाख हुआ करती थी, ठीक है, अब बढ़ के वो कितनी कर दी है, 25 लाख कर दी है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी 25% का इंक्रीमेंट कर दिया है। वैसे ही रेलवे अकाउंट्स परीक्षा भत्ता, तो मतलब जो क्लर्क और टाइपिस्ट है उनको पहले ये मतलब मिलते हैं, तो जो 405 रुपये मिलते थे अब उनको 506 रुपये मिलेंगे। वैसे ही जो हमारे स्टोक वेरीफायर पर रहते हैं उनको 540 की जगह 675 रुपये लगेंगे। ये मतलब ये प्रथम वर्ष के लिए होगा, दूसरे वर्ष में उनको 945 जगह 1180 रुपये मिलेंगे। सेम जो डॉक्टर के लिए भत्ता दिया जाता है, मतलब अगर वो डिग्री कर रहे हैं तो उनको 2250 रुपये मिलते थे, जो बढ़ के 2813 रुपये हो गए हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो 1350 से बढ़ के 1688। वीडियो में पूरा प्राइस के हिसाब से बता रखा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना मिलने वाला है, कैसे मिलता है। उसके अलावा हमने बहुत सारी और वीडियोज़ भी अपने चैनल पर डाली हैं, आप जाइए आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एचआरएमएस से रिलेटेड सारी वीडियोज हमने डाली हैं, ट्रांसफर से लेके म्यूचुअल ट्रांसफर हो, स्पाउस हो, उसके अलावा हमारा जन क्या बोलते हैं इंटर रेलवे हो, सब के ऊपर जो टाइमलाइन है रेलवे बोर्ड की वो भी हमने अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, 6500 जैसे लड़के हो चुके हैं, सभी सिलेक्टेड और प्रिपरेशन करने वाले लड़के हैं, आप जाओगे आपको बेनिफिट मिलेगा। जाइए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी कीड़ा को। धन्यवाद।